ये गेहूं का आटा है दोस्तों, और ये पका हुआ चावल है दोस्तों। ये रोहू और मृगल का सबसे बेस्ट चारा बनाएंगे दोस्तों आज हम। देखो ये सत्तू है दोस्तों, सत्तू पिंडी जो बोलते हैं वो है दोस्तों। ये 250 ग्राम है दोस्तों, हम इसमें से आधा डालेंगे, 150 ग्राम डालेंगे इसमें। आप जब भी बनाए दोस्तों आटा, तो गेहूं का आटे से आधा होना चाहिए ये सत्तू, और चावल बहुत ही कम डालना है दोस्तों। पका हुआ चावल जो है ना, उसको आप बहुत कम ही डालें, क्योंकि ये पसीजता है, जब मिला देने के बाद पसीजता रहता है बार बार। चलो ठीक है, एक चीज़ और मिलाते हैं इसमें, हम पार्ले जी बिस्कुट एक मिलाएंगे, 5 का पार्ले जी बिस्किट। जब भी दोस्तों मिलाएं, तब भी पार्ले जी बिस्किट ही मिलाएं, दूसरा कोई बिस्कुट ना मिलाएं। पार्ले जी बिस्किट का खुशबू बहुत ही अच्छा है, स्मेल होता है, इससे मछली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। इसको हम रुक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, पीस रहे हैं अभी हाथ के ही मदद से। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं आप लोग के पास पहुंच जाए और आप लोग को हेल्प मिले। हम धीरे धीरे इस चावल को भी दोस्तों मिलाएंगे इसमें, बहुत ही कम चावल डालना है दोस्तों। आप जब भी डालें तब बहुत कम चावल डालें। इसे हम मिला लेते हैं दोस्तों अभी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. इसको मिला लिए हैं दोस्तों अच्छी तरह से। आप लोग को अच्छी तरह से मिलाना है आटे को। उसके बाद जो हम डालेंगे दोस्तों, आप देखिए ये मिठाई का रस है दोस्तों, मिठाई का गांध जो होता है। आप कहीं पर भी मिठाई जहां बन रहा है वहां पर जाइए और बोलिए मिठाई का गांध चाहिए, वो लोग दे देंगे आप लोग को। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। ये हम पहले से ही मंगा कर रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें छोटा छोटा टुकड़ा है। ये बहुत ढेर दिन का रखे हैं दोस्तों, आप जितने दिन तक इसको रखेंगे उतना, जितना पुराना होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों इसका। बहुत ही बेस्ट है दोस्तों ये मिठाई का गांध जो होता है।
आप इसे ज़्यादा दिन तक रख कर यूज करेंगे आपको बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। रोहू और मृगल के लिए बहुत ही बेस्ट चारा है ये दोस्तों, आप एक बार यूज करके मुझे बताइए दोस्तों, बहुत ही बेस्ट चारा है दोस्तों। हम आप लोग को जो भी कोई भी बेट बताता हूँ बिना यूज किए नहीं बताता हूँ दोस्तों, मैं यूज करके आता हूँ उसके बाद बताता हूँ आप लोग को बेट। ऐसे बहुत से चैनल है दोस्तों जो झूठ बोलते हैं, लोग आटा कुछ और बनाते हैं, बेट कुछ और बनाते हैं और बताते कुछ और हैं दोस्तों, और ये सब बहुत स्किप कर करके रोक कर वो जो आइटम होता है अपना डाल लेते हैं दोस्तों, वो दिखाते नहीं हैं आप लोग को। आप ये चारा वेट यूज कीजिए, हमारा जो भी चारा है दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे आइए और हम जो भी यूज करता हूँ आप लोग को लाइव दिखाता हूँ दोस्तों, जो भी चारा यूज करता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। मैं वीडियो बस नहीं बना पाता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन ही नहीं रहते हैं, इसी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ दोस्तों। कुछ ही दिनों में दोस्तों हम बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम है दोस्तों, हम बनाएंगे वीडियो भी आप लोग को, फिशिंग का भी वीडियो दिखाएंगे आप लोग को, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है फिशिंग का भी। ये हमारा आटा रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी दबाइए दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो उसका भी हेल्प होगा, आपका दोस्त का भी हेल्प होगा दोस्तों। ये हमारा आटा रेडी है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।